शनिवार 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भारतीय ओलंपिक्स इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर वे ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि अब जब भी भारत में जावलिन के खेल की बात होगी तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा का जिक्र आएगा। फाइनल में 87.58 मीटर तक भाला फेंक गोल्ड जीतने वाले नीरज ने अभी से अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया है। नीरज का अगला लक्ष्य 90 मीटर पार करना है। टोक्यो में नीरज के आखिरी थ्रो से पहले ही उनका गोल्ड मेडल जीतना तय हो चुका था। वे आखिरी प्रयास ना भी करते तो भी गोल्ड उनका ही रहता, लेकिन नीरज ने अपने अंतिम प्रयास पर भी उतना ही जोर लगाया जितना वे अपने हर प्रयास में लगा रहे थे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीटीआई से बात करते हुए जब नीरज चोपड़ा से उनके अगले टारगेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जैवलिन थ्रो एक बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, उसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मैच के दिन आपकी फॉर्म कैसी है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अब अगला टारगेट 90 मीटर के मार्क को पार करना है। फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ ओलंपिक्स पर था, अब जब मैंने गोल्ड जीत लिया है तो अब मैं आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स की प्लानिंग करूंगा। भारत आते ही मैं फिर से विदेशी वीजा के लिए देखूंगा ताकि मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग ले सकूं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने आज तक कभी भी 90 मीटर के मार्क को पार नहीं किया है। नीरज का सर्वाधिक थ्रो 88.06 मीटर का है जो उन्होंने इंडोनेशिया में साल 2018 में हुए एशियाई खेलों में बनाया था। नीरज साल 2017 से लगभग हर बार इंटरनेशनल इवेंट्स में 80 मीटर से ऊपर का थ्रो फेंकते आ रहे हैं, लेकिन वे कभी भी 90 मीटर तक भाला नहीं फेंक पाए हैं। नीरज ने 13 जुलाई को गेटशेट डायमंड लीग से अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे ओलंपिक्स के बाद लीग के बचे हुए इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। इस हिसाब से 26 अगस्त को लुसान और 28 अगस्त को पेरिस में होने वाले इवेंट्स में नीरज भाग ले सकते हैं। साथ ही 9 सितंबर को ज्यूरिख में होने वाले फाइनल में भी वे भाग ले सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।